दोस्तों नमस्कार भाई, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, दस लोगों ने लिख के भेजा कि सर कमजोर का आपको हम किस तरीके से हट्टा कट्टा कर सकते हैं, किस तरीके से मोटा तगड़ा कर सकते हैं, हमें कमजोर का आपको क्या खिलाना चाहिए। तो भाई आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कमजोर का आपको क्या क्या खिलाना चाहिए। देखिए जब भी का आप कमजोर रह गया ना, कई भाई गलती करते हैं कि साहब ये तो कमजोर है तो इसकी डिवॉर्मिंग क्या करें। यहीं से गलती होती है। डिवॉर्मिंग आप जरूर कीजिए, अपने पशु चिकित्सक की सलाह से उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए। देखिए अगर कोई कमजोर होता है ना तो उस समय उसकी एल्बो मार से डिवॉर्मिंग की जा सकती है, पेनाकोर से डिवॉर्मिंग की जा सकती है। तो आप पहली भी बात जो है वो डिवॉर्मिंग का लीजिए और उसके लिए आप लिक्विड पेनाकोर का इस्तेमाल कीजिए। ये सुरक्षित दवा है और इसको आप 3 kg पर 1 ml देनी है। यानी अगर वो 30 किलो का है तो आपको 10 ml देना है, 60 किलो का है तो आपको 20 ml देना है। यानी कि इसकी डोज क्या रहेगी, 1 ml प्रति 3 kg बॉडी वेट। और इसको सिर्फ एक बार सुबह के समय भूखे पेट आपको देना है अगर वो कमज़ोर रह गया है तो। इसके बाद आप सभी को पता है कि नंबर 2 पर हमेशा ही लीवर टॉनिक देना होता है। तो भाई कोई सा ही दे दीजिए जो भी आपके एरिया में मिले, जैसे ब्रोटोन हो गया तो ब्रोटोन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना देना है कैसा, 25 ml हम रोज़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 ml रोज़ दे दीजिए और मात्र 10 दिन तक दे दीजिए। तो ये एक वो प्रोटोकॉल है जो कुछ भी खिलाने से पहले ज़रूरी है। अब आपको क्या खिलाना है, देखिए अगर हम खिलाने की बात करें तो नंबर 1 पर हम ले रहे हैं और वो ले रहे हैं अनाज। यानी आप अनाज में क्या खिलाएंगे और कितना परसेंटेज लेंगे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनाज में अगर आपको काफ का एनर्जी लेवल बढ़ाना है और मौसम अगर गर्मी का है तो उस सूरत में आप क्या क्या लेंगे, देखिए मक्का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी के मौसम में अनाज के रूप में लेना। अगर सर्दी का मौसम है तो जो की जगह आप बाजरा ऐड कर सकते हैं जो गर्म तासीर का होता है, जो है वो ठंडी तासीर का है। तो अनाज को आपको 40% यहाँ पर लेना रहेगा। यानी कि जो दाना मिश्रण बना रहे हैं, अगर आप 10 किलो बना रहे हैं तो उनमें से 4 किलो अनाज रहेगा। अब 4 किलो में आप मक्का और जो को कितने कितने किलो लेते हैं देख लीजिए। 3 किलो मक्का ले लीजिए, 1 किलो जो ले लीजिए, 2 किलो मक्का, 2 किलो जो ले लीजिए। मैं 10 किलो का एक आइडियल बता रहा हूं, आप वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया अनाज का मैटर। अब जो पहला घटक होता है ना वो खिलाने का अनाज ही होता है, ठीक है, दाना मिश्रण में। देखिए वैसे तो 3 चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1 है हरा चारा। जो ही आपका काप 3 महीने का हो जाता है उसके बाद आप हरे चारे की मात्रा को ऐड करेंगे। और सूखा चारा ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस काप को सूखा चारा नहीं मिल रहा है ना वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, ये मान के चलें। तो इनको आप 50-50 भी रख सकते हैं और इनको आप 25% या 75% भी रख सकते हैं। यानी कि हरे चारे को आप 25% से शुरू कीजिए और 50% तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सूखा चारा जो है वो आप हमेशा ही देते रहे। जैसे 75% आप सूखा चारा दे रहे थे इस समय, तो यहाँ पर आप 50% सूखा चारा भी दे सकते हैं। यानी कि काप का वजन बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए सूखे चारे की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। और हरा चारा, सूखा चारा और पानी की अच्छी उपलब्धता रखिए, उसके बाद बात आती है दाना मिश्रण की। तो दाना मिश्रण में हमने अनाज देख लिया है 40%। इसके बाद आपको सेकेंड नंबर पर जो लेनी है ना उसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी। जैसे खली, खली जो है वो वाकई नहीं देते हैं काप को, लेकिन अगर आपका काप कमज़ोर है तो आपको खल देनी चाहिए। और कौन सी देंगे भाई, अगर वो सरसों की खा सके तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर जो कपास या खल आती है जिसको बिनोला खल बोलते हैं वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपके एरिया में सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी इनकी खलें मिल रही है तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही शानदार रहेगा। तो आप 25% कम से कम ये खल ले सकते हैं, 10 किलो में 2.5 किलो आप खल ले सकते हैं। तो 40 किलो अनाज था, 2.5 किलो, ये 65% हमारा सॉल्यूशन, ये जो मिश्रण है वो बन गया है। इसके बाद अगर हम तीसरे घटक की बात करें तो तीसरा घटक है फ्रेंड चोकर या चूरी। ये जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चोकर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कई भाई जो है वो गेहूं का चोकर कह रहे सर महंगा है तो नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, कोई से भी चूरी दे दीजिए, फाइबर के सोर्स के लिए हमें देनी है। तो गेहूं का चोकर आप 10% ज़रूर ऐड कीजिए। इसके अलावा चूरी जो है, चूरी या दालें, चूरी या दालें, ये जो है आपके लिए आप कम से कम 20% ऐड कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये अगर आप ऐड करते हैं ना तो भाई गजब का मामला रहेगा, बहुत ही शानदार। अब जो जितना बचता है उसमें क्या करेंगे, उसमें आप नमक भी ऐड करेंगे, उसमें मिनरल मिक्सचर भी ऐड करेंगे। देखिए अगर कमज़ोर काफ है तो आप नमक ऐड कीजिए, मिनरल मिक्सचर ऐड कीजिए। इसके अलावा आप देखो तारामीरा और जो असाड़ू होता है ना, हलीम सीड, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ आप उसको थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लीजिए 10 किलो का बना रहे हैं तो 10 किलो में 500 ग्राम आप तारामीरा रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हलीम सीड की बात करें, यानी जिसको हलाऊ भी बोलते हैं, असालिया बोलते हैं, असालिया की अगर हम बात करें तो असालिया आप कम से कम 2 kg इसमें ऐड कर सकते हैं। तो तारामीरा और असालिया जो है, ये जो हमने मिश्रण बनाया था, सॉरी 2 kg ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 10 किलो का ही हम ले के चल रहे हैं ना, तो 10 किलो का लेके चल रहे हैं, तो 10 किलो में आप इसको भी ऐड कर दीजिए 500 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम करके आप इनको भी ऐड कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तारामीरा थोड़ा कम करें तो आप हलीम या असालू को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप भाई मैनेज करके देते हैं और इनकी मात्रा को आप उपलब्धता के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई कितनी उपलब्धता है उसके हिसाब से मैं बता रहा था, तो आप कम भी कर सकते हैं, इनको बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कमज़ोर काप को ये चीज़ें देते हैं ना, तो भाई वो श्योरली ग्रोथ करेगा। इसके अलावा उसे चाटने के लिए या तो मिनरल मिक्सर की ईंट रखिए या फिर काला नमक, सेंधा नमक उसे चाटने के लिए रखिए। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था ये साधारण नमक है, ठीक है। तो साधारण नमक को तो आपने दाना मिश्रण में ऐड कर दिया 1%, कोई बात नहीं, लेकिन 1% ये रहता है हमेशा, 2% मिनरल मिक्सर रहता है। लेकिन विशेष ध्यान रखिएगा, चाटने के लिए नमक, सेंधा, काला और फिटकरी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये प्रबंध आप करते हैं, ये नॉर्मल बताया है मैंने, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई है, तो ये अगर आप करते हैं ना तो भाई उसका वज़न भी बढ़ जाएगा और अगर कमज़ोर काफ है ना तो वो श्योरली हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप साइंटिफिक बेस वाली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं डेयरी फार्मिंग की, तो हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है उस पर ट्रेनिंग सेशन 5 तारीख से चालू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ फ्री क्लासेस, डेमो क्लासेस भी है, वो भी आप ले सकते हैं।